जैसे कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में आपको YouTube सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है, इसी तरह से कैसे YouTube एप्लीकेशन को आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन में लेकर आओगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर YouTube एप्लीकेशन को लेकर आ जाते हो, उसके बाद इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका YouTube डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे कि यहाँ पर मेरे स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फुल प्रोसेस डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस YouTube एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन में इस सॉफ्टवेयर को लाना है। तो मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर एक बार राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे सामने यहाँ पर डिलीट बटन आ चुका है, मैं यहाँ पर क्लिक करके देखो डिलीट कर दिया। यहाँ पर स्क्रीन पर अभी यूट्यूब एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ला के दिखाता हूँ। तो YouTube एप्लीकेशन को लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा YouTube.com। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर YouTube.com लिख के जैसे ही सर्च करूंगा, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड देखो सबसे पहला वाला वेबसाइट यूट्यूब का ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है https://www.youtube.com। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। अभी मुझे करना क्या होगा, देखो इस साइड में सबसे लास्ट में थ्री डॉट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस थ्री डॉट में एक बार क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो नीचे आपको एक मोर टूल्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसे आ जाओगे उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और देखो यहाँ पर आपको एक क्रिएट शॉर्टकट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं इस पेज को छोटा कर लेता हूँ। देखो छोटा कर लिया, अभी मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में कहीं पर भी यूट्यूब सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं जैसे ही यहाँ पर क्रिएट वाला सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में यूट्यूब आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर अभी क्रिएट वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दिया तो देखो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर यहाँ पर यूट्यूब आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करके क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो मेरा यूट्यूब आ चुका है। तो अभी मैं जैसे ही इस यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी मेरा यूट्यूब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यूट्यूब के ऊपर जैसे मैंने डबल क्लिक कर दिया तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर यूट्यूब एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में पता चल चुका है और आपको हेल्प मिली है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मदद मिली है, कुछ जानकारी मिला है, इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।